24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव परशुपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर और ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती छोटी हैं। श्रीमती छोटी ने इस गांव की बागडोर को संभालते हुए चार वर्ष में क्या क्या विकास कार्य यहां करवाए हैं, किस तरह से गांव सजाया है और क्या समस्याएं अभी यहां बाकी हैं, ये जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के परशुपुरा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान पति से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान पति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ प्रधान आपकी पत्नी हैं, चार साल इनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास आपने गांव में अब तक करवाया? विकास रास्ते बहुत खराब थे जी, सबकी सुविधा नहीं जी, सारे रास्ते आपने पक्के करवा दिए। रास्ता जैसे नया आया तो वो भी कोई साल में आप पूरा करवा जी। और जो है वो सिंचाई जो लैटरीन है वो भी 119 हमने बनवाई। ओडीएफ हो गया गांव जी। आवास मिले हैं? आवास तो हमें तीन मिले, दो तो बल का पिछले प्रधानी के जो पहला प्रधान था वो आए पहले अच्छा, तो हमने तीन आपके कार्यकाल में एक ही आया। तीन मिले हैं, तीन आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी, तीन मिले हैं जी। यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है सभी को? हाँ, वही 60 साल वाला है, बिजली सीधे आ गए लोग, पेंशन वगैरह सब मिल रही है। आप बहुत दिनों से ना आई जी, दो बार बताऊँ, काफी टाइम हो गया, अब तो कई महीने हो गया जी। किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा कितने हाँ, लोगों का? कुछ किसानों के खातों में बेचारा ना आया और कुछ में आ गया, कुछ परेशान है, कुछ चाह रहे हैं कि आ जा, मगर वो नहीं आया। बीजों पर सब्सिडी मिल रही है किसानों को? बीजों का मतलब? बीजों पर एक सब्सिडी मिलती है किसानों को जो सरकार की तरफ से, क्या वो मिल रही है किसानों को? हाँ मिल रही है, बता रहे हैं किसानों को मिल रही है। हाँ मिल रही है जी। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर है, पंचायत? बारात घर नहीं है, पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान? वो भी नहीं है, शमशान घाट, कब्रिस्तान तो है, बाउंड्री वॉल रखी? ना बाउंड्री नहीं है। अब यहाँ सरकार से अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? प्रमुख ये है कि साहब जब हमें पैसा मिलेगा तो जो सुविधा मजबूत कर देंगे जी, बारात घर पंचायत घर में यहाँ निर्माण करवाना चाहेंगे आप? अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल तो ठंड में ही, तो काफी किलोमीटर दस किलोमीटर। क्या कभी आपने यहाँ अस्पताल की मांग नहीं रखी? रखी है, अस्पताल होना चाहिए। और जो जूनियर स्कूल हमारा भी जर्जर खड़ा जी, जर्जर खड़ा है, उसके नवने मांग के लिए भी आप चाहेंगे कि सरकार नदी का पानी है तो ये पानी इतना परेशान कर रहा है सब लोग, बेहिसाब बिल्कुल काम को यहाँ सब हो जाती है जी। इधर का हवा चलती है, नदी के पानी की वजह से सुनने में आया कि पूरे जो है पूरे जिले का पानी, पीने तक का पानी दूषित हो गया, तो क्या इसके बारे में आपने कभी कोई एप्लीकेशन, कोई प्रस्ताव रखा है सरकार ने, कोई कार्रवाई की? हाँ लगाई है, मैं वो आए थे यहाँ जांच के लिए, आए जांच के लिए आए थे, मैं जब तक कोई पता नहीं जी, केवल जांच हुई है। हाँ पानी भर भी नहीं। जैसा कि आपने देखा यहाँ प्रधान पति से हमने बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं और कुछ रास्ते यहाँ अभी भी कच्चे हैं जिसको पूरा कराने की इस साल में प्रधान उम्मीद जताते हैं। यदि यहाँ की समस्याओं के बारे में नजर किया जाए तो यहाँ काफी समस्याएं अभी मौजूद हैं, मूलभूत समस्याओं से लोग यहाँ जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर और पंचायत घर को लेकर यहाँ प्रधान मांग करते हैं। एक प्रमुख मांग अस्पताल को लेकर भी यहाँ करते हैं, 10 किलोमीटर दूर यहाँ मरीजों को परेशानी उठाकर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए, उनका मानना है कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए। उसके अलावा यहाँ एक जूनियर स्कूल, जो यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उसके नवनिर्माण के लिए भी प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। और एक सबसे प्रमुख समस्या जो पूरे गांव की ओर से है, पूरे गांव की है, प्रधान जी ने भी यहाँ मांग रखी है कि जो नदी जिसकी वजह से पूरे गांव का पीने तक का पानी दूषित हो गया है, उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि लोगों को यहाँ स्वच्छ पानी मुहैया हो सके। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24।